हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दर्दिश व्लॉग के साथ मैं हूं ज़ीशान। वेलकम करता हूं आज के इस न्यू और शानदार से व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ीश व्लॉग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। दैट्स ग्रेट, कूल कूल। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान ब्रो, हाउ आर यू, व्हाट हैपेंड बीइंग? अदा जान, पेपर कैसे हुआ? हां अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। तुम सुनाओ, बेहतरीन हुआ। जाने आपको कैसे हुआ? मैंने दिया ही नहीं आपको। रिजेक्ट, नॉट राइट नाउ। ओह ये तो आज सच में डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। सच बता, कैसे हुआ? तबीयत से ठीक है? अब बताओ पेपर कैसे हुआ? पेपर अच्छी हुए, बस अभी थोड़ी सी टेंशन है। अच्छा, सो गाइस अभी बैठे हुए पेपर दे के वेले हैं। तो आज ये व्लॉग जो है वो इस्लामाबाद में आखिरी व्लॉग है। आज मैं जा रहा हूँ भाई गाँव। आप लोग पता है कि आज मैं गांव जा रहा हूँ, कुछ खिलाओ पिलाओ बाइक बाइक की खिदमत। आप जा रहे हो? बिल्कुल, आप हमें खिला के जाओगे, मुझे पता है आपको फखर है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई, उम्मीद कर रहे हैं तो व्लॉगर है, टिकटॉकर है। स्पेशल हमें जो आज मुनाल लेके जाएगा। ओह माय गॉड, किस भाई के ख्वाब देखो, मुनाल लेके जाएगा भाई। व्लॉगर बन रहे हैं, लेके जाते हैं 24 जून। वैसे फॉलोअर्स नहीं आते, कब जाने लेके जाते हैं 24 जून को मशहूरी टॉप पे। मैं तो घर जा रहा हूँ ना। डॉक्टर, आप सब लोग ईद के बाद या ईद से पहले बलोचिस्तान आओ। आपको बलोचिस्तान हम कैसे आएंगे? यानी बस पे आओ, जैसे हम जाते हैं। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, कश्मीर भाई नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ बलोचिस्तान आओ, तो वो कह रहे हैं कश्मीर आओ। तो बैठे हुए हैं। मेरा तो आज इस्लामाबाद में आखिरी दिन है। आज मैं जा रहा हूँ गाँव। काफी दिनों बाद व्लॉग बनाया, उसकी वजह यही थी पेपर्स चल रहे थे, काफी मसरूफ थे, व्लॉग बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। उसकी वजह यही थी कि पेपर्स थे ना, तो दिल नहीं कर रहा था। तो सोचा आज आखिरी दिन है, व्लॉग तो बनाते हैं। और भाई लोग बैठे हुए हैं, क्लास खाली है। ये जी बाहर से व्यू भी आ रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। बहुत प्यार करते हैं हमको सनम, बिना को सनम। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ भाई, छोड़ छोड़ छोड़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तबीयत से ठीक है भाई? ये हमारी क्लास का शाका है। शाका नहीं, शाका नहीं, एक ये खराब कर रहा है। हाँ, को नहीं बल्कि आपको खराब कर रहा है। शिनाज बेकरी। क्या क्या हो रहा है? बात सुनो। जाकिर, मैं आज इनको कह रहा हूँ, मेरा आज इधर आखिरी दिन है इस्लामाबाद में। कुछ खिदमत करो भाई की, इतना दूर जाएगा। आप क्या कहते हो? आप सही कह रहे हैं, अगर ये खिदमत कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम दोनों की ये खिदमत करें। अगर ये तू क्या कर रहा है पीछे? मैं आपका ब्लॉग चार्ज कर रहा हूँ। सो यार, अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी को 2.5 या 3 मंथ के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय करता हूँ। और अभी निकलते हैं, चलते हैं। अदा लतीफ़ बाहर बैठा हुआ है और अदा नूर, चलते हैं और उनसे मिलते हैं, उनको भी बाय बाय करते हैं। और अभी टाइम हुआ है 11:30, हमें निकलना है, तकरीबन 6 बजे निकलना है बस अड्डे की तरफ। वहाँ से फिर हम चले जाएंगे भाई गांव। तो इधर से बाइक निकालते हैं बाहर से, और उससे आगे मरगला स्टेशन है, उधर अब्दुल लतीफ़ बैठा हुआ है, दानूर अली भी, तो उनसे मिलते हैं। पहुँच चुका हूँ मरगला स्टेशन। दानूर अली और अब्दुल लतीफ़ बैठे हुए हैं, उनको पानी भी पिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदा जान। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक। आप ऐसे निकल आए, बताया भी नहीं है। आपको चाय पिला रहा हूँ, स्पेशल आपके लिए ना। चाय तो पिला रहे, बंदा बता के आता है। और यहाँ पे ऐसा माहौल है, लड़ रहे हैं लड़के, देखो लड़ रही है, लड़के नमल में भी बहुत है इधर, क्या देख करना है, लड़ रहे हैं आपस में लड़के, देखो। अदा जान, आज घर जा रहा हूँ मैं। आप कब जाओगे गाँव? हमारे आज ना ब्लॉगर भाई जा रहे हैं, आज स्पेशल हम स्पेशल चाय, यहाँ का ढाबा फेमस है तो हम। हाँ, इधर की चाय मैंने नहीं पी है। स्पेशल चाय भाई को पिलाएंगे यहाँ का। और हमारा माशाल्लाह अनीस भाई, प्रोफेसर साहब,
हनीफ नहीं है लतीफ, लतीफ है लेकिन इसका कोई और नाम, इसको चौधरी नाम इसका रखा गया, किसी ने रखा है चौधरी, इस नाम से मशहूर है। मैं आज इसका जो ना अब आपका नाम चौधरी कब से रखा है वेरीफाई भी करेंगे किसी ने, भाई अख्तर साहब ने, अख्तर साहब ने, बस ठीक है चौधरी साहब बेटे ने असल में उसने लतीफ साहब लेमन खा रहे हैं सर, मैं खोल रहा हूँ, मैं खा नहीं रहा हूँ, खाना सब हमें अच्छा फर्क है, हाँ खोल और आप जा रहे हैं लतीफ साहब, अच्छा हमें ठीक, लतीफ साहब नहीं ले रहे भाई, इसको राज बोला कढ़ाई खिलाओ सर, खुद खा रहा था कढ़ाई, पता नहीं कुछ बड़े मजे की बट पे नहीं नहीं लाहौर, हम भी तो उधर थे, हम उधर थे अपारा रमना, आप रमना थे, हम लाहौर में थे, और इसके अलावा जो है ना वो बड़े उसके जो है ना सीख कबाब वो बड़े मजे के थे, डॉक्टर के साथ आप डॉक्टर भी थे, अदा ने अदा जॉब फिर मोनाल खाना खिलाओगे ना, आज रिजल्ट आ रहा है दुआ करो कुछ हो जाए, अदा हमारा डीजी बन रहा है भाई रिटायर होते होते डीजी से भी ज्यादा यार, ओ अच्छे से मांगे अदा जान, अदा जान गाड़ी है मुझे पहुंचा के उधर बस अड्डे पे, आज भाई अद्दा जो है ना अपने गाड़ी पे स्पेशल आप लोगों को पहुंचाएगा, मैं अद्दा के साथ आऊंगा, अद्दा को कंपनी दूंगा वापसी पर भी, अद्दा को कंपनी दूंगा, आप जो है ना ये कुर्बान दे दो, आज दो ढाई मंथ बाद आएंगे, क्या कहते हो यंगू में जो नहीं नहीं यंगू नहीं अद्दा, आज अपने गाड़ी पे जानता नहीं मान रहा, अरे इतना हम गाड़ी लेंगे ना बस जहीर की तरह चाबी आपके आपको दे देंगे भाई, जाओ मजे करो, मुझे उम्मीद नहीं मुझे यकीन है इस चीज का परफेक्ट, और मेरे कुछ ऐसे महान दोस्त भी हैं जिन्हें सिर्फ जो है ना अपना आराम कुर्बान करने के लिए वो कहते हैं जी हम नहीं जा सकते, दोस्ती की डेफिनेशन तो मेरे नजर में ये है कि कोई मजाक नहीं है दोस्ती करना, आप कंफर्ट जोन से हट, सही बात है बिल्कुल, बिल्कुल हमारे महान कुछ दोस्त हैं वो ये कहते हैं जी नहीं आज मेरा दिल नहीं कर रहा, सबसे पहले नहीं कर रहा तेरा दिल नहीं कर रहा, फिर दोस्ती नहीं, कोई मजाक है नहीं, ऐसे पॉइंट जहीर के ऊपर है ना, हाँ ये जहीर के लिए नहीं है अद्दा, बस एवं ही वो कर रहा था मोटिवेट कर रहा था ऐसे ना, गैरत दिला रहा था। सो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं वापस हॉस्टल, लतीफ जा रहे हैं किसी काम से, आप तो मेरे साथ जाओगे ना, मैं आपके साथ हूं जान, आपके लिए हाजिर हूं हर वक्त 24, अदा आप वापस आओगे हॉस्टल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आऊंगा भाईजान, अदा इधर हमारे आओ फिर खलील से भी बिरयानी लेके आएगा, अदा जिधर जा रहे हो वहां अदा आपको कुछ नहीं खिलाएगा, अदा से उम्मीद कर रहा है अदा बिरयानी खिलाएगा, नहीं भाई अदा मेरी बाइक ये है, अदा ठीक है, अदा अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सर जी क्या हाल है, ठीक ठाक तबीयत से ठीक है, आपके मजे हैं बड़े पंखे शंखे लगाए हुए हैं, मजे हैं गुजारा कर रहे हैं, मजे वो है आपके जो आप रूम में पता चलेगा कितनी गर्मी है, रूम में नहीं है बाहर जो जाएंगे एंजॉय कर रहे हैं आज का अल्लाह के फजल, चलो सर जी हम जाएं थोड़ा पैकिंग कर रहे हैं, मैं आज निकल रहे हैं जा रहे हैं गाँव, हाँ पेपर खत्म, पेपर खत्म, ये तो जाती है सर जी, बस फिर मिलते हैं सर जी, थोड़ा पैकिंग शेकिंग करें, हम क्या करेंगे सर जी, फिर रास्ते में दो ढाई मिनट बाद वापस आएंगे, खलील भाई को नींद से उठा के लेके जा रहे हैं चाय पिलाने, अभी तक नींद में है। Two hours later. लोग अभी आ चुके हैं बस अड्डे पे, तो ये खड़ी है हमारी बस पिंडी कोचेस, टाइम हुआ है 6:30, टाइम तो हो चुका है निकलने का लेकिन अभी तक खड़ी हुई है, 6:30 बजे हमारे निकलने का टाइम है, और ये बस तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, इस पर भी बस गुजारा हो जाता है, खलील भाई अंदर बैठे हुए हैं, चलते हैं खलील भाई से मिलते हैं, खलील भाई घर जाने की खुशी है नहीं है क्यों, नहीं खुशी नहीं है ना, वो मुझे भी नहीं है, वो जल्दी जा रहे हैं ना,
हाँ जल्दी जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से दो मंथ हुए हैं मतलब घर से आए। सो गाइस हमारा सफर जारी और सारी है, खलील भाई सो गए हैं जल्दी जल्दी, टाइम तो अभी 7:30 हुए हैं। हम रास्ते में मोटरवे क्रॉस करके जा रहे हैं, मुल्तान वाला मोटरवे लिया है, खलील भाई सोए हुए हैं, हमें नहीं बस टाइम पास नहीं हो रहा है सफ़र में। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं खलील भाई, कहाँ पहुँचे? पता नहीं अभी तो निकले हैं, डेढ़ घंटा हुआ है, आधा घंटा। ये कौन सा रेस्ट एरिया है? वो कलर कार है, कलर कार बहुत आगे, आपको ये भी पता नहीं है, 2 साल से सफ़र कर रहे हो। खलील भाई को ये भी पता नहीं है हम किस एरिया में, पता तो मुझे भी नहीं है यार। इधर इस्लामाबाद से डेरा लायार कोई हमें 14.5-15 घंटे लग जाते हैं सफ़र करने में, तो अभी हम 1.5 घंटा सफ़र कर चुके हैं, आगे तो मंजिल बाकी है, ऐसा ना? हाँ यार, और रास्ते मोटरवे में हमें खाना सही नहीं मिलता है, हमें खाना लेना चाहिए था इस्लामाबाद से कुछ ना कुछ, चावल वगैरह। जब गांव से आते हैं तो घर से बनवा के या बाजार से ले लेते हैं बिरयानी शिरयानी, आज कुछ भी नहीं लिए। नहीं भाई, अच्छा किया, अच्छा नहीं किया ये, फिर हमें रोटी खानी पड़ेगी, फिर पेट में दर्द पड़ेगा। नहीं खाएंगे, घर जाके खाएंगे बस, ये बिस्किट चिप्स पे गुजारा करें। सो गाइस मज़ीद 3.5 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बहरा शरीफ, इधर से खाना खाते हैं, शाहजी रेस्टोरेंट है, तो फिर आगे निकलते हैं। सो यार इधर से खाना शाना खाया है, बस अभी निकल रहे हैं वापस। सो यार अभी टाइम हुआ है 5:15, अभी मोटरवे से नीचे उतरे और जा रहे हैं गुड्डू बैराज की साइड, बस 3 या 4 घंटे का सफ़र मज़ीद है। खलील भाई गए हुए नमाज़ पढ़ने और चाय शाय भी तो पीनी है, लेकिन दिल नहीं कर रहा, चाय पियेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी, हमें सोना मज़ीद है अभी बाकी है। तो बहुत थके हैं। ये जो सफ़र है ना 15-16 घंटे का, उफ। चलो अब ये भी ठीक है, सिंध में तो एंटर हो ही गए, अभी बलूचिस्तान में एंटर होना बाकी है, बाकी पंजाब कैपिटल ये तो क्रॉस करके आए हैं भाई, सफ़र बड़ा लंबा है भाई। कुछ चाय को पैकेज ऐलान, अरे चाय बोला है, हिला रहे हो चाय। सिंध में एंटर हुए, क्या क्या महसूस कर रहे हो? कुछ भी महसूस नहीं कर रहा, बस यार तू तो है ना इलाज पड़े हुए हो। सुकून करें यार, सोने नहीं दिया है सारा रात तुम्हें, इस पे ही आना पड़ेगा भाई। मार्वल्स अबाउट 20 कोचेस, आई विल रेट इट 3 out of 10। अच्छा फिर हम यू टर्न बस कहाँ से लाएं भाई? तो फिर अच्छा नहीं, फैसल मोर पे जाएं सखर तक? नहीं, और फैसल मोर से भी अच्छी अच्छी बसेस चलती हैं आजकल, तुम्हें क्या पता जो लारका ना जाती हैं। भाई हालत देखो, ये पाउडर वाली चाय इस्लामाबाद में कम पी के आए, सिंध में आके भी ये चाय दे रहे हैं भाई जान। लाइन पे ऐसी चाय, यार सिंध में इंटर हुए, सिंध की तो मशहूर चाय है, बिस्किट हमने नहीं खाए भाई, ये ले जाओ। चाय वैसी तुम्हारी केक है, टेढ़े मेढ़े दे, चलो नींद तो चली जाएगी ना। देखो जी चाय पता नहीं दूध है। 15 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने शहर डेरा लायार, भाई ये नींद से उठे हैं, अभी देखते हैं हमें पिक करने कौन आ रहा है। फैसल आ रहा है भाई आपका, खलील का भाई फैसल भाई आ रहा है हमें पिक करने, गर्मी इधर भाई काफ़ी है, खलील भाई जब शीशा गर्म है अभी से तो बंद करो। तुमने नींद की है भाई सारे रास्ते में? हाँ नींद की है, नींद करनी ही नींद है।
ये बैग है, एक शॉप, ये भी शॉपर है। 17-18 ये नहीं था, ये मेरा है भाई, भैया भैया ये भी मेरा है। और ये यहाँ यार 9:30 बजे घर पहुंच गए थे। घर पहुंच के नाश्ता वगैरह किए, फ्रेश वगैरह हुए, अभी फिर से जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं भाई? पता नहीं, शायद हम जेकाबाद जा रहे हैं, कोई काम है, खलील भाई को काम है, मुझे भी काम है। तो अभी रास्ते में गांव से अभी निकले हैं, खलील भाई ड्राइव कर रहे हैं, जेकाबाद जाने लाजमी जा रहे हैं, मुझे थोड़ा काम है। तो चलते हैं जेकाबाद, उधर से कुछ खाते पीते भी हैं भाई से, भाई जेकाबाद है, ठीक है ना, भाई से कुछ खाते हैं। इधर से खाएं झटपट से कुछ खिलाओ, और ये कुछ सिर्फ कहते हैं खिलाओ खिलाओ भाई, हमें हम मेहमान हैं, आप ही तो मेहमान। सो अभी रास्ते में जा रहे हैं जेकाबाद मिलते। यार गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है भाई, इस्लामाबाद के लिहाज से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा। तो टेम्परेचर अभी होगा कोई 42-45 तक होगा, ऐसे ना ऊपर होगा, ऊपर है शायद। तो हम इस्लामाबाद की गर्मी को कहते थे कि भाई गर्मी है गर्मी, इधर आए अभी पता चला है गर्मी तो यही है, वो तो कुछ भी ना। ऐसे एक काम करो, रास्ते में आता है थादल वाला, थादल पिलाओ, कुछ खा ले, कुछ पीते हैं पहले, चलो देखते हैं। मैं पिलाता हूँ थादल, मैं पिलाता हूँ, सही है, ठीक है। हाँ अब बोलो पीने, डबल करके पिएंगे। यार इस गाड़ी में वो भी नहीं है, कोई स्पीकर वगैरह, कोई सॉन्ग शॉन्ग चलाए यार, इसको बनवाओ खलील भाई। वैसे भी अभी 1-2 महीने हमने इस पर बैठना है, बनवाएंगे, खर्चा करो वाला। यार पहुंच चुके हैं, ये जी हमारा छोटा सा शहर, जो कि मेरे इस्लामाबाद के व्यूअर हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो शहर के 3 नाम हैं, डेराला यार, जाफराबाद और झटपट, अक्सर हम इसे झटपट के नाम से पुकारते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, ज़िला जाफराबाद है, तहसील झटपट है, और जाफराबाद के शहर के 3 नाम है भाई, तो अक्सर हम तो झटपट ही कहते हैं। छोटा सा शहर है, सिंपल सिंपल से लोग हैं, सादा सादा से, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लोग। रश बहुत ज्यादा है, बहुत रश। ओफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मोबाइल मार्केट के बाहर, इधर गाड़ी पार्क की है, अभी जा रहे हैं खलील भाई के बाइक के शॉप पे। उठो भाई निकलो। ये मैं अपनी शॉपर उठाऊं? हाँ ये उठा देता हूँ यार। लॉक करो भाई। तो यार अभी झटपट से निकल के हम जा रहे हैं जेकाबाद, रास्ते में और हरीश भाई आगे थादल वाला भी है, पिलाओ ना। हाँ चलो थादल पिलाता हूँ आपको, खलील भाई को थादल पिलाता हूँ, फिर मैं खलील भाई से जेकाबाद में जाके बिरयानी खाऊंगा, ठीक है ना। इधर अब बात करो, अब बात करो भाई, इसने खुद बोला है मैं आपको बिरयानी भी खिलाऊंगा। नहीं 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 बिरयानी नहीं, मैं आपको थादल पिलाऊंगा। हाँ दरसाए मैं करो यार, ये भाई इधर थादल पीते हैं इधर से। यार ये चीज हमें इस्लामाबाद में नहीं मिलती, मिल जाती है बाहर, वहां पे शक्कर कोला मिलता है, ये थादल और चीज है, चसावी।
गर्मी का दुश्मन थादल। जेकाबाद पहुंच चुके हैं, अभी जाना है हमें बाजार, वहां से कपड़े शपड़े लेने खलील भाई को, और मुझे भी टेलर के पास जाना है, उधर काम है। रिजवान भाई से मिलना है, बड़े भाई से, और उसके ऑफिस जाते हैं। ये स्पीकर हमने उठाया है, इसको चार्ज पे लगाते हैं क्योंकि गाड़ी में तो स्पीकर नहीं है, ऐसे ये उठाए हैं। तो भूख भी खलील भाई को लगी है, रिजवान भाई से कुछ खाते हैं, ठीक है। और उसके भाई के ऑफिस जाते हैं फ्रेंचाइज पे, उससे कुछ खाते हैं जी। तो गाइस अभी हम आए कपड़ों की फैक्ट्री में कपड़ों की फैक्ट्री में ओए एक सूट मुझे भी लेके दो खलील भाई, यानी लाइट कपड़ा दिखा रहो, मतलब ये अब नहीं सुन रहा, जब मैंने कहा ना मुझे भी लेके दो जी। तो गाइस खलील भाई की शॉपिंग हो रही है ईद की, हम मैंने कंपनी दे रहे हैं भाई को। सो यार इधर जेकाबाद आए थे, खलील भाई ने शॉपिंग वगैरह करनी थी, कपड़े शपड़े लिए थे, उसके बाद अचानक कजन लोग आए थे रफ्तों देरों से लाड़काना से, तो अभी भाई साथ बैठे हुए हैं। हाँ भाई, आज गालिब और मोहतरम जनाब सनाउल्लाह रईसानी साहब यार ये क्या बोल दिया तो भाई लोग जा रहे हैं अभी कोयटा, इनका टेस्ट है, तो इनको भी अलाफिस करते हैं। ओके जाने भाई, गर्मी है, गर्मी है, आप ठंडे इलाके में जा रहे हो जैसे लग रहा है कि हम नहा के आए, आप ठंडे एरिया में जा रहे हो। चलो ओके जाने, वैन पे जाओगे? जी हाँ चलो इंशाल्लाह, मिलेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह बाय बाय। निकल कर वापस जा रहे हैं गांव की तरफ, तो इधर ही करता हूँ अपनी आज की वीडियो को एंड। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। चलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। खलील भाई बाय करें।